बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के नए बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां बैरिया गोलंबर के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिमोहन चौधरी ने की। मौके पर कार्यकर्ताओं ने फूलों से सम्राट चौधरी को तराजू पर तोला। सम्राट चौधरी ने राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। माननीय सम्राट चौधरी जी का गरीब स्थान के इस पावन धरती पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हर जगह बड़े उत्साह से अनेकों जगह स्वागत हुआ है। यहाँ चांदनी चौक पर हम लोगों ने फल से उनको तौल के इस फल को हम लोगों ने फल से उनको तौला है और इस फल को सदर हॉस्पिटल में हम लोग मरीजों के बीच बांटने जा रहे हैं। इससे एक हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के जो भी लोग हैं, सब जनता हित में, समाज हित में, गरीबों के हित में समर्पित है। आज बैरिया चौक पर यहाँ पे उपस्थित थे माननीय अजय निषाद जी भी आए थे, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह बरुराज विधायक भी थे, अनेकों अनेक कार्यकर्ता, कांटी विधानसभा के भी अनेकों अनेक कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे। डॉक्टर राजेश वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों के आह्वान पर, मेरे आह्वान पर बैरिया में यहाँ पर फल से उनको तौला गया है। कितने किलो का फल तौला गया है? 113 किलो, 113 किलो फल था, इस पर तौला गया है उनको और ये फल मरीजों के बीच सदर हॉस्पिटल में बांटा जाएगा। हरिमोहन चौधरी, भाजपा नेता, मुजफ्फरपुर। कुमार जी के राज में अब बालू माफिया और शराब माफिया का राज होगा और जिस तरह नीतीश कुमार जी